अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नूर कश्मीर के रोज़ाना प्रोग्राम आज की सुर्खियों में आपका खुश आमदीद। मैं हूँ इम्तियाज़ अहमद शेख। नज़र डालते हैं श्रीनगर से शाया होने वाले आज की अखबारात की सुर्खियों पर। पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर पर ग्रेनेड हमला, कोई नुकसान नहीं। अवंतीपुरा में मिलिटेंट के दो माउनिन गिरफ्तार, नौजवान के खिलाफ NIA अदालत में चार्जशीट पेश। मजीद 23 मुलाजमीन मुतासिर, JK बैंक की मजीद 6 शाखें बंद। कश्मीर यूनिवर्सिटी और सिक्किम्स इम्तिहानात गैर मुआयना मुदत के लिए मुलतवी। 18 की शाम तक सूरत हाल जूं की तू रहने का इम्कान, कहीं हल्की बर्फ तो कहीं बूंदा बांदी। 21 और 22 जनवरी को फिर मौसम खराब होगा, महकमे मौसमियात। वीकेंड लॉकडाउन के बाद कश्मीर में तिजारती सरगर्मियां बहाल, पुलिस का जंगजो इनायतकार के खिलाफ NIA कोर्ट में चार्जशीट पेश। दो दिन बाद तादाद 3000 से कम, 5 अमवाद, 2827 मस्बत, जम्मू श्रीनगर बडगाम और बारामूला ज्यादा मुतासिर अजला। JK बैंक की कई शाखों में कोरोना ने डाला डेरा, श्रीनगर की कई ब्रांचों में खासी तादाद में मुलाजमीन कोरोना वायरस से मुब्तला। गांधरबल में पुलिस की जानिब से मास्क तकसीम, यौम जमहूरिया तकरीबात के लिए इंतजाम, गांधरबल और बांडीपोरा में जायजे लिए गए। चीफ सेक्रेटरी ने महकमे सेहत और तिबी तालीम के कामकाज का जायजा लिया, सरकारी अस्पतालों में 422 मुफ्त अद्वियात की फरहमी। 1 हफ्ते के दौरान जम्मू और कश्मीर में 15,000 के करीब अफराद कोविड से मुतासिर, लोग ताउन फरहम करें तो इस वबाई बीमारी को काबू किया जा सकता है, माहिरीन। कोविड वैक्सीन जबरदस्ती नहीं लगाई जा सकती, सुप्रीम कोर्ट में मरकज का हलफनामा पेश। गैर हाजिर रहने का शख्साना, 4 टीचर नौकरी से बरतरफ, राजौरी में 3 सड़क हादसे, 5 अफराद लुक्मे अजल, 2 शदीद जख्मी। 180 डॉक्टर समेत 465 अफराद मुतासिर, बेशतर लोग मास्क के बगैर, समाजी दूरियां दरकार, 2 रोज लॉकडाउन खत्म जैसे कोरोना खत्म। जम्मू और कश्मीर के बाजार फिर बढ़ गए, मुसाफिर गाड़ियों में ठीक ठाक भीड़। वादी में मतलब आलूदा रहने से शबाना दर्जी हरारत में गिरावट, 19 जनवरी तक मौसम खराब रहने की पेशगोई। श्रीनगर में कम से कम दर्जी हरारत 1.0 डिग्री, गुलमर्ग में मनफी 4.6 डिग्री रिकॉर्ड। पाइन शहर में ग्रेनेड हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को चौकस रहने की हिदायत, पुलिस का अवंतीपोरा में 2 जंगजो इनायतकारों की गिरफ्तारी का दावा। शहरी की मुबैना खुदकुशी, हादसे में नौजवान जाँ बहक, 3 गायें और बछड़ा जिंदा जल गए, JK बैंक के 3 शाख बंद। किसी शख्स को इसकी मर्जी के खिलाफ वैक्सीन लगाने पर मजबूर नहीं किया जा सकता, जिस अफराद के पास शिनाख्ती कार्ड नहीं वो भी वैक्सीन के अहल है, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुख्तलिफ वफूद की मुलाकात, मुख्तलिफ मसाइल पर तबादले ख्याल। BJP की नफरत की सियासत मुल्क के लिए नुकसान दे, राहुल गांधी। जिले तरक्याती कमिश्नर गांधरबल ने यौम जमहूरिया तकरीबात मनाने की तैयारियों का जायजा लिया। लोग कोविड रहनुमा उसूलों पर सख्ती से अमल करें, बसूरती दीगर सरकार सख्त इकदामात उठाने पर मजबूर हो जाएगी, मुशीर फारूक खान। कोचिंग मराकज व तालीमी निज़ाम की बहाली सरकार के ज़ेर गौर। लखनऊ के 3 सियाह श्रीनगर जम्मू शहरा के रामसू में लापता, पुरअसरार तौर लापता शहरियों की तलाश बड़े पैमाने पर जारी। कश्मीर आलमी वबा से लड़ने के लिए तैयार,
تاہم لوگ پروٹوکول پر سختی سے عمل کریں ڈائریکٹر ہیلتھ۔ کپواڑہ میں 438 معاملات سرگرم، وبائی امراض کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر ضروری، ڈی سی کپواڑہ۔ راجوری میں بیانک سڑک حادثہ، 19 سالہ نوجوان از جان، دوسرا زخمی۔ ہندوارہ میں فوجی اہلکار ہلاک۔ جموں کشمیر کے 50 کووڈ اسپتالوں میں 4794 بیڈ دستیاب، 337 مریض زیر علاج، 140 جموں اور 197 کشمیر میں داخل۔ ناظرین، آج کی سرخیوں میں بس اتنا ہی۔ دیجیے نور کشمیر کی پوری ٹیم کو اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔